सो द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज फ्री कंसेंट. सबसे पहली चीज़, आपका कंसेंट का मतलब आपको समझ आना चाहिए. देखो, लॉ की लैंग्वेज में कंसेंट का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब किसी सेम चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, राइट. जैसे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर जो मैंने कराया था उसमें एक मैंने टर्म यूज़ किया था विच वॉज कंसेंसस एड आइडम, राइट. इसका क्या मतलब था कि जो दोनों पार्टीज हैं दे शुड एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. सो वो भी एक तरह से कंसेंट ही है क्योंकि अगेन एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस यू कॉल इट कंसेंट. ओके, बेसिकली इसके बाद फ्री कंसेंट का क्या मतलब है. देखो, कंसेंट फ्री का मतलब आपने जो एग्री, हम बोल रहे हैं कि ठीक है दोनों पार्टीज़ ने एग्री किया है सेम चीज़ पे सेम सेंस में, वो एग्री तो करा बट क्या वो फ्री कंसेंट है. मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यू नो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके उसने किया है, या उस पर यू नो कोई किसी चीज़ का प्रेशर था इसलिए किया है, या हो सकता है गलती से कर दिया हो, या हो सकता है किसी फ्रॉड के थ्रू वो करवाया गया हो. सो ये सब चीज़ें हैं जो कि फ्री कंसेंट के अगेंस्ट हैं. बेसिकली ये चीज़ें उस फ्री कंसेंट को फ्री नहीं बनाती कि वो कंसेंट फ्री नहीं था, राइट. सो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोएर्शन. कोएर्शन हम समझेंगे क्या है बाद में. अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये पांच चीज़ें हैं. इनके अलावा अगर आपने कंसेंट लिया है वैलिड है, ठीक है. आगे चलो. कंसेंस इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्च. मतलब वही चीज़ें अगर ना होती तो वो कंसेंट ना देता. अगर ऐसा है देन डेफिनेटली वो फ्री कंसेंट नहीं है. तो अब यहाँ पे देखो टेबल दे रखा है. पहला कंसेंट का मीनिंग, जैसे मैंने अभी बताया, कंसेंसस एड आइडम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है, यानी दोनों दिमाग सेम चीज़ सेम सेंस में सोच रहे हैं. फ्री कंसेंट मीन्स कंसेंट नॉट कॉज बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. अब ये वाले जो चार हैं ना, ये वाले इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सेक्शन 19 और 19A में आते हैं. मिस्टेक का अलग सीन है पूरा. मिस्टेक वाला सेक्शन 20, 21, 22 कवर करते हैं. ये वाले जो चार हैं ये वाले वॉइडेबल होते हैं. और जो मिस्टेक है वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिस्टेक वो वैलिड भी हो सकता है, वो वॉइड भी हो सकता है, वो वॉइडेबल भी हो सकता है. सो दिस वॉज बेसिकली एक फ्लो चार्ट मैंने बताया. अब हम एक्चुअल चीज़ पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का मतलब ये है थ्रेटन. थ्रेटन समझते हो ना, धमकाया और फिर उससे वो कंसेंट हमने लिया है. यानी कि थ्रेटनिंग टू कमिट और कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इन टू द एग्रीमेंट. मतलब किसी पर्सन को एग्रीमेंट में लाने के लिए देर हैज़ बिन यूज ऑफ थ्रेटनिंग. सिंपल भाषा में बताऊँ तो, ठीक. बेसिकली व्हेन अ पर्सन इज फोर्स टू गिव हिज कंसेंट देन क्वेश्चन इज सेड टू बी यूज. आगे देखो क्या लिखे. देखो फीचर्स ऑफ क्वेश्चन. कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड. मतलब या तो आप एक्चुअल में कुछ वो फॉरबिडन एक्ट कर रहे हो या आप थ्रेटन कर रहे हो कि मैं ऐसा कर दूंगा अगर तूने इस पे साइन नहीं किया या अगर तूने यू नो एग्री नहीं किया. सो बेसिकली एक मिनट में थोड़ा या सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, या तो कमिट कर रहे हो कोई ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन है बाय द इंडियन पिनल कोड या थ्रेटन टू कमिट कर रहे हो. केस आते हैं रंगनाया कम्मा वर्सेज अलवर सेट्टी का. इस केस में क्या होता है, देखो एक लेडी थी जो कि विडो जब बनी, उसका हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके रिलेटिव्स ने फोर्सफुली उससे ना एक लड़का उसने अडॉप्ट करवाया उनसे, उस लेडी से, और बोला कि हम इसका आप तेरे हस्बैंड का क्रिमेशन नहीं करेंगे जब तक तू इसका कंसेंट नहीं देती कि हाँ मैं अडॉप्ट कर रही हूँ एक लड़का को. सो अगेन यहाँ पे जो कंसेंट ऑब्टेन हुआ अगेन वो क्या था, थ्रेटनिंग था ना एक तरह से, कि थ्रेटन किया कि जब तक तू नहीं करेगी तब तक हम ये नहीं करेंगे, धमकाया. सो दिस इज इट वॉज हेल्ड कि यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग अ डेड बॉडी फ्रॉम बींग रिमूव्ड, हेंस इट इज़ एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड. सो कोर्ट ने यही बोला कि ये जो कंसेंट उसका लिया तुमने अडॉप्शन के लिए दिस वॉज बाय कोएर्शन, सो दिस इज़ नॉट फेयर. सो दिस इज़ यू नो वहाँ पे हेल्ड हुआ कि दिस वॉज रॉन्ग. ओके, एग्जाम्पल दे रखा है. ए थ्रेटन्स टू किडनैप बी सन इफ बी डज नॉट सेल इज हाउ टू हिम एट अ वेरी लो प्राइस. कंसेंट ऑफ बी इज यूज बाय इंड्यूस्ड बाय कोएर्शन, ठीक है. अगेन बेसिकली जहाँ पे भी थ्रेटन की बात आ जाए ना, थ्रेटन या आपको कहीं लग रहा है धमकाया, धमकी दी है, तो ये वाली चीज़ें जो है वो किस में आती हैं, कोएर्शन में आती हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट देखो. अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी. यानी कि या तो वो इंसान अनलॉफुली मतलब लीगली नहीं, अनलॉफुली डिटेन कर लेता है प्रॉपर्टी या थ्रेटन अगेन कर लेता है कि मैं तेरी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लूँगा. सो यहाँ पे केस आते हैं मुथिया वर्सेज मुथू कुरुपन का. इस केस में एक एजेंट था, उसने यू नो जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं एक बिजनेस के वो देने से इनकार कर दिया
टू एक और जो उस प्रिंसिपल का ने उसने एक नया एजेंट हायर किया था, सो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट देने से ही मना कर दिया उसने. और ये बोला कि एक कंडीशन रखी बेसिकली कि मैं तब तक नई बुक्स ऑफ अकाउंट को उसको दूंगा जब तक तुम मेरी सारी लाइबिलिटी से मुझे रिलीज नहीं कर देते. सो यहाँ पे अगेन दिस वॉज अ थ्रेट, जो कि प्रॉपर्टी उसकी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट उसकी प्रॉपर्टी है उसको डिटेन कर रहा है उसने, रखा अपने पास. सो द रिलीज डीड वॉज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रिंसिपल हु वॉज मेड टू एग्जीक्यूट द रिलीज डीड अंडर कोएर्शन. ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जो कि फ्री कंसेंट से नहीं लिए जाते, वो वॉइडेबल होते हैं ऑलवेज, मतलब वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बंदा जिसका फ्री कंसेंट नहीं था, जिसका फ्री कंसेंट वायलेट हुआ था. सो यहाँ पे उसकी मर्जी है, अगर वो चाहे कि हाँ भाई मेरे साथ गलत हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मान सकते, तो ठीक है नहीं मानेंगे. अगर वो बोले नहीं चलता है कोई नहीं, तो नहीं चलता है कोई नहीं, फिर ठीक है चल रहा है फिर. सो मतलब उसके मर्जी पे क्वेश्चन या कोई भी वो मेरे गला थोड़ा बैठ रहा है, तो जस्ट एक्सक्यूज दैट बिकॉज मैं 3-4 घंटे से लगातार बना रहा हूँ लेक्चर. बट एनीवेज नेक्स्ट है प्लेस ऑफ क्वेश्चन. देखो मान लो कि कोई ऐसी जगह पे वो फ्री कंसेंट का जो वायलेशन हुआ है वो ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे वो इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होता, मतलब इट इज़ नॉट इन्फोर्स इन दैट एरिया, तो क्या वो कुछ चेंज लाएगा उस चीज़ में? नहीं, बिकॉज इसका कोई, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो उस जगह पे जहाँ फोर्स यूज हुआ है वहाँ पे वो इंडियन पिनल कोड यू नो अप्लाई होता है या नहीं, बिकॉज फॉर यूज ऑफ फोर्स इज यूज ऑफ फोर्स. वो कहीं पे भी ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप ऑन द हाई सीज द सी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ स्टेट causes B to enter into by act amounting to criminal intimidation under the Indian Penal Code. Later on case was filed at Calcutta. A has employed coercion although his act is not an offence by the law of England and although this section was not enforced at the time or place where this act was done. वही चीज़ कि जहाँ पे ये वो समुद्र में जहाँ पे भी हुआ था वहाँ पे वो इंडियन पिनल कोड नहीं इन्फोर्स था एंड इंग्लैंड के इंग्लैंड में वो चीज़ नहीं है ऑफेंस, तो क्या वो एक्चुअल में ऑफेंस नहीं है? ऑब्वियसली है. तो वहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि अगेन दिस इज केस ऑफ कोएर्शन एंड नॉट फ्री कंसेंट. देन कोएर्शन मे बी फ्रॉम द पार्टी टू द अग्रीमेंट और अ स्ट्रेंजर, मतलब कौन कर रहा है वो यूज़ ऑफ फोर्स या जो भी हम बोल रहे थ्रेटन, वो कोई भी कर सकता है, पार्टी टू द अग्रीमेंट भी कर सकते हैं, कोई स्ट्रेंजर भी कर सकते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो. ए थ्रेटन्स टू किल बी इफ ही डज नॉट सेल हिज I-20 टू हिम फॉर 1 लाख ओनली. हेयर द कोएर्शन इज बीइंग एम्प्लॉयड बाय द पर्सन हु इज पार्टी टू द अग्रीमेंट, दैट इज ए. ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा. बट एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, अगर ए थ्रेटन टू किल बी इफ़ बी डज नॉट सेल I-20 टू सी एट अ गिवन प्राइस, किसी और के लिए ए कर रहा है, तो ए इज़ नॉट द पार्टी टू द अग्रीमेंट बट वो एक स्ट्रेंजर है, फिर भी वो यूज़ ऑफ फोर्स या यूज़ ऑफ कोएर्शन कर रहा है, तो वहाँ पे उसका भी जो थ्रेटन वाला वो चीज़ है दैट विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, वो भी वो फ्री कंसेंट नहीं है. सो इट इज़ नॉट कि सिर्फ जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वही यूज़ ऑफ कोएर्शन करते हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाता, ऐसा नहीं है. कोई भी कर सकते हैं अगर उस पर यूज़ ऑफ फोर्स या कुछ भी हुआ है, उसका फ्री कंसेंट नहीं है मतलब नहीं है, उस किसकी वजह से, वह डजन मैटर. ओके, और कहाँ हुआ है वो भी डजन मैटर, जो पिछले पॉइंट में किया. ए थ्रेट अमाउंट्स टू कोएर्शन इवन दो ही इज स्ट्रेंजर. ठीक है, नेक्स्ट देखो. लाइकवाइज कोएर्शन मे बी डायरेक्टेड एट अ पार्टी टू द अग्रीमेंट और स्ट्रेंजर. अगेन ये थ्रेटन आप जिसको कर रहे हो, अभी तो देखा ना कौन कर रहा है थ्रेटन, अब जिसको थ्रेटन कर रहे हो वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टी टू अग्रीमेंट हो, वो कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है. जैसे एग्जांपल देखो, ए थ्रेटन टू किल बी इफ ही डज नॉट सेल हिज I-20 टू हिम, हियर द क्वेश्चन इज बीइंग डायरेक्टेड अगेंस्ट द अदर पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये तो समझ में आता है. बट ए थ्रेटन टू किल सी दैट इज बीज वाइफ इट बी डज नॉट सेल हिज I-20 टू हिम, मतलब उसने बोला मैं तेरे को नहीं मारूंगा, तेरी वाइफ को मारूंगा. सो दिस इज वॉट दिस अगेन थ्रेटन इज अ थ्रेटन, जिससे जिस चीज़ से वो थ्रेटन हो रहा है आप वो यूज़ करो, जरूरी थोड़ी है अगर वो बोल रहे हैं तेरे किसी रिलेटिव को मारूंगा. सो दिस इज अगेन वॉट यूज ऑफ थ्रेटनिंग. सो फ्री कंसेंट यहाँ पे भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन का जिस पे वो थ्रेटन हुआ है वो वही बंदा है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. कोई स्ट्रेंजर के लिए भी हो सकता है, या स्ट्रेंजर इन द सेंस कि उस पर्सन के लिए वो वैल्यूएबल पर्सन है बट वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर है. ठीक है, देन इंटेंशन ऑफ द पार्टी. ये जो क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन दिस इज ये जो किया है, दिस शुड बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पर्सन टू एंटर इनटू दैट अग्रीमेंट. मतलब आप थ्रेटन इसलिए कर रहे हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, आपका यही इंटेंशन है उसको थ्रेटन करने का, और कोई नहीं है. अब यहाँ पे देखो, हमने टर्म बार बार यूज़ किया है, एन एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय पिनल कोड, हमने ये नहीं बोला पनिशेबल बाय पिनल कोड. एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज पनिशेबल एंड अमाउंट्स टू कोएर्शन. अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं, एक है फॉरबिडन अंडर द पिनल कोड और एक है पनिशेबल अंडर द पिनल कोड. जो हम जो बोल रहे हैं वो फॉरबिडन है, पनिशेबल नहीं है. पनिशेबल में और भी चीज़ आती है, जैसे केयर एक्ट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड वॉज ऑल्सो पनिशेबल, मतलब अब नहीं है बट पहले था. देयरफॉर अमाउंटेड टू कोएर्शन बट नाउ अटेम्प्ट टू इट हैज़ बीन डिक्रिमिनलाइज्ड
Arrhythmia is considered the manifestation of mental illness. Whether attempt to commit suicide amounts to coercion or not need to be seen based on court rulings in future. This needs further clarification as mentally ill person would be devoid of capacity to contact. अगेन इस पर बातें चलती हैं बार बार कि अगर वो मेंटली इल है तो अगेन वो उस पर वो भी बात आती है कि क्या वो एक्चुअल केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट था भी सही नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी वाली टॉपिक. एनी वेज द पॉइंट इज डेफिनेशन ऑफ कोएर्शन जो हम कॉन्ट्रैक्ट वाले उसमें यूज़ करें दैट यूजेज द टर्म फॉरबिडन. इसका मतलब ये जो थ्रेट टू कमिट सुसाइड है डज दो नॉट पनिशेबल बट बींग फॉरबिडन अमाउंट्स टू कोएर्शन. एग्जाम्पल इफ द हस्बैंड साइंस a transfer deed after a threat from wife to commit suicide then it is bad in law. Threat to file a suit on false charge amounts to coercion but a threat to file a suit on genuine charge does not amount to coercion. kya bol rahe hain bahut dhyan se samjho. suicide punishable nahi hai but forbidden hai aur yahi pe forbidden ka hi use ho raha hai. hum jo contract act pad rahe hain usme humne forbidden word use kiya. so hum ye bol rahe hain threaten kuch bhi ho sakta hai. threaten main kisi aur ko marne ka bhi kar sakta hu. threaten main khud ko marne ka bhi kar sakta hu ki bhai ye sign karni to main abhi yahan chhat se kood raha hu. This is also a threat. A threat is a threat. चाहे मैं बोलूँ मैं तेरे को मार रहा हूँ चाहे मैं बोलूँ तेरे इस बंदे को मार रहा हूँ या मैं बोलूँ खुद ही मर रहा हूँ. A threat is a threat. जिससे भी वो बंदा डर रहे. We are concerned about the fact कि whether the consent was free or not. Threaten तो हुआ ना वो बंदा मेरे मरने के डर से क्या पता साइन करे खुद के मरने से ना करे. Like I'm just saying. So the point is कि अगर कोई ये बोल के कि मैं कूद जाऊंगा अगर तूने ये साइन नहीं किया दिस इज ऑल्सो फॉरबिडन अंडर द पीनल कोड. पनिशेबल चाहे नहीं है फिर भी फॉरबिडन है तो वी आर यूजिंग द टर्म फॉरबिडन एंड इसी वजह से ये वाला भी इट इज़ कंसिडर्ड कि लॉ की लैंग्वेज में इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल नहीं होगा. वो मतलब कोर्ट यही बोलेगा कि वो फ्री कंसेंट नहीं था. ठीक है अब एक और चीज़ यहाँ बोलिए कि अगर मैं किसी फॉल्स चार्ज का वो थ्रेट कर रहा हूँ कि मैं तुझ पर कोई जेन्युइन चार्ज जो तूने काम एक्चुअल किया है वो मैं उसको केस करूँगा दैट इज़ नॉट कोर्स. ठीक है सो दिस इज सर्टन थिंग्स जो तुम्हें दिमाग में रहनी चाहिए. इफेक्ट ऑफ कोएर्शन. अब देखो अगेन मैंने बताया है कि यू नो फ्री कंसेंट अगर नहीं है तो वो वॉइडेबल होगा. वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ कौन दैट पार्टी जिसका कंसेंट फ्रीली नहीं था. ठीक है तो ये हो गया आपका कि वॉइडेबल है. सेकेंड चीज़ मतलब वॉइडेबल का मतलब समझ रहे हो ना कि वो चाहे तो बोल सकता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट चलने दो चाहे तो बोल सकते हैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करो. उसके बाद एक आता है बर्डन ऑफ प्रूफ. ये प्रूफ का बर्डन तो रहेगा ही. कैसे पता कि कंसेंट फ्री था नहीं था. कोई बोले नहीं फ्री कंसेंट नहीं था मेरा बाद में बट एक्चुअल में था तो इस चीज़ का प्रूफ इज़ इंपॉर्टेंट. तो यू हैव टू गिव अ प्रूफ दैट द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय कोएर्शन. ठीक है एंड कौन देगा प्रूफ इसका बर्डन लाइज इन द हैंड्स ऑफ दैट पार्टी जो कि उसको बोल रही है कि वो कोएर्शन के थ्रू हुआ है. मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पे थ्रेटन करके साइन करवाए हैं आई विल हैव टू शो देम द प्रूफ. सो द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पार्टी हु वॉन्ट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द प्ली ऑफ क्वेश्चन. मतलब जो बोल रहा है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो ये मेरा फ्री कंसेंट के बिना होगा उस पार्टी के हाथ में है वो बर्डन. प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन. अगेन रेस्टिट्यूशन समझते हो ना भाई कि रिस्टोर करना जो पहला का कंडीशन स्टेट था. सो यानी इफ द बेसिकली इफ द एग्रीव्ड पार्टी ऑप्ट कि मेरे को करना है वो रेस्टिट्यूशन तो वो बेनिफिट्स भी रिस्टोर करेगी. कि मान लो उसको सामने वाली पार्टी से कोई बेनिफिट्स भी रिसीव हुए थे तो वो भी आपको रिस्टोर करने पड़ेंगे उसको बेसिकली वापस देने पड़ेंगे. तो ये आपका क्वेश्चन का पूरा केस हो गया.